गौ माता बचाओ यात्रा लेकर कंप्यूटर बाबा मेहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज सरकार के राज में गौ माता की स्थिति दयनीय है। आज प्रदेश में गौ माता मरने पर मजबूर है। गौ माता बचाओ यात्रा लेकर मैहर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर तगड़ा निशाना साधा और कहा कि भाजपा गाय के नाम पर राजनीति करती है, पर गौ माता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं करती। आज शिवराज सिंह चौहान के शासन में गौ माता भूखी प्यासी तड़प रही है। सड़कों में घूमती गौ माता मरने पर मजबूर है। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी तब हजारों गौशाला प्रदेश में बनवाई गई थी, पर शिवराज सरकार ने सभी गौशाला पर प्रतिबंध लगा दिया। शिवराज सरकार ने गौ माता की दुर्दशा करके रखी है। सड़कों पर बेहाल है, गौ माता को मरने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में लगता है ना गौ माता के लिए चारा है, ना पानी है और ना जो गौशाला है। पूर्ववर्ती सरकार कमलनाथ सरकार ने जिस ढंग से हजारों गौशालाएं बनाई और हजारों गौशाला बनने के लिए प्रस्तावित थी, परंतु सारी गौशाला बंद कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक योजना बता दो गौ माता के लिए, कोई योजना बता दो आप। एम्बुलेंस की बात करिए, वो भी 150 रुपए लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको, आप मुझे भी, मुझे भाई लोग ये बोलते हैं कि सनातन के धर्म के लोग है, भगवा सरकार है। कैसी भगवा सरकार है जिसमें भगवा ही परेशान है, सनातन के लोग ही परेशान है। ऐसी सरकार, मैं तो कह रहा हूं जनता अभी चुनाव में सबक सिखाएगी कि अब जनता सब समझ गई है, अब मूर्ख नहीं बनेंगे, अब जानेंगे सनातन का धर्म पालन किया जाए, सनातन पर चला जाए, जो बोलने वाले केवल बोला ना जाए। वो बोलोगे और चलोगे नहीं, ये जनता है सबक सिखाएगी तुम्हें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।